नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि हमारा चल रहा था फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स और हम सीख रहे थे तमाम टूल्स के बारे में, सॉरी टूल्स हमारे जो है पूरे हो चुके थे और हम बात कर रहे थे तमाम मेन्यूज के बारे में और हम सिलेक्शन मेन्यू के कुछ ऑप्शन के बारे में सीख रहे थे। और आज हम सीखेंगे सिलेक्शन मेन्यू के ग्लो और सिमिलर जो ऑप्शन है उसके बारे में, और जो लेयर मेन्यू है उसके लेयर मेन्यू जो उसके क्लिपिंग आर्ट के बारे में हम सीखेंगे सॉरी जो लेयर मेन्यू है उसके क्लिपिंग आर्ट के बारे में सीखेंगे। क्लिपिंग आर्ट जो है टेक्स्ट को एडिट करने में काम आएगा, और जो आपका ग्लो और सिमिलर है वो आपके ड्रेस कलर को चेंज करने में काम आएगा। तो इनके जो सॉरी ड्रेस चेंज करने तथा जो सिलेक्शन को है चित्र से सीखने में काम आएगा। अब आप कहोगे कि यार इतने सारे वीडियो तो बना दिए सिलेक्शन करने के, सिलेक्शन के लिए क्यों? क्योंकि हर प्रकार की फोटो एडिटिंग चाहे कितनी भी बड़ी कर लो चाहे कितनी भी छोटी कर लो, हर प्रकार की आपको फोटो एडिटिंग करनी है तो क्या होगा कि आपको सिलेक्शन के बारे में बारीकी से सीखना होगा, हर एक बात को सीखनी होगी। क्योंकि कई कई पर जो सिलेक्शन का फर्स्ट टूल काम कर जाता है, कई कई पर दूसरा टूल काम कर जाता है, तो कई कई पर कोई सा टूल काम नहीं करता, कौन सा टूल कहीं पर काम कर जाता है, तो किसी इमेज पर कौन सा टूल वर्क कर जाता है, कोई कोई टूल्स किसी इमेज पर वर्क नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो सिलेक्शन के सारे ऑप्शन को आपको बारीकी से सीखना बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छे सीख जाए जान जाए। तो इसमें इस वीडियो में मैं आपको सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पिछले कई अध्याय में मैंने सिलेक्शन के बारे में बात की है, लेकिन इस के बारे में थोड़ा अलग ग्लो और सिमिलर का यूज क्या है एक्चुअली, और क्यों इनका यूज किया जाता है, क्यों सिलेक्शन टूल के और भी ऑप्शन है उनका यूज नहीं किया जाता, तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। जैसा कि आपके सामने ओपन है मेरा फोटोशॉप और इसमें जो ये इमेज है इस पर मैं आपको ग्लो और सिमिलर का ऑप्शन का यूज बताऊंगा। उसके लिए मान लीजिए कोई भी सिलेक्शन टूल ले लीजिए, मान लीजिए मैजिक टूल ले लीजिए। मैजिक टूल को क्या करना होगा, आप इस पर प्रेस कीजिए। जैसे प्रेस करोगे तो आप ऊपर देखोगे जो टॉलरेंस है वो 50% है। टॉलरेंस क्या होता है मैंने जब मैजिक टूल के बारे में बताया था तब बताया था, और मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से देखिए 50% है और इस तरह का ये सिलेक्शन कर देगा। अब क्या करना है कि इस टेक्स्ट को आपको थोड़ा बढ़ाना है। तो ये मान लीजिए कि क्या होता है कि सिलेक्शन जब टॉलरेंस हम ज्यादा कर देते हैं लेकिन फिर भी जो आपका सिमिलर है आपको थोड़ा ही बढ़ाना है, टॉलरेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन में जाना है और सिलेक्शन के बाद जाने के बाद आपको ग्लो दिखे, ग्लो दिखते ही ग्लो पर क्लिक करते ही जो इसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता कलर है आसपास का उसको ये थोड़ा पकड़ लेगा और बड़ा कर देगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपके जो मिलता जुलता कलर है इसने कैच कर लिया है और इस तरह से जो है पकड़ लिया है। इस तरह से आप बार बार क्लिक करोगे तो इससे मिलता जुलता कलर ये पकड़ता जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपको सामने सिमिलर दिखाई देगा। सिमिलर का मतलब है कि इससे मिलता जुलता अर्थ ही देखेंगे, इससे मिलता जुलता जितना भी कलर है पकड़ लेगा और बिल्कुल बारीकी से इसको पकड़ लेगा। मान लीजिए जो स्काई कलर है वो सिलेक्शन है, तो आप देखेंगे इस पर क्लिक करते स्काई कलर इसने कहीं से भी नहीं छोड़ा है, सारे स्काई कलर को इसने पकड़ लिया है। यदि कहीं से रह गया, देखिए यहाँ से रह गया है और यहाँ से रह गया है, यदि कहीं से रह जाता है तो आपको क्या करना है, वापस जाना है सिलेक्शन पे और वापस आपको क्या कर देना है इस सिमिलर सॉरी ग्लो पर जो आपको है क्लिक कर देना है। तो ग्लो पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, देखिए इतना बढ़ गया। फिर से आपको सिलेक्शन पे जाना है और ग्लो पर फिर से क्लिक कर देना है, तो देखिए पूरी सिलेक्शन अच्छी तरह से आ गया। अब आपको इसका कलर चेंज करना है, तो सिंपली कलर चेंज करने के लिए हम ह्यू सिचुएशन का यूज लेते हैं। और उस देखिए सबसे पहले आप कंफ्यूज ना होइए, किसी और सिलेक्शन में जाइए ना जाइए। मान लीजिए आप यहाँ से देखिए जैसे ही लेयर मेन्यू में जाते हैं तो आपको एडजस्ट न्यू एडजस्टमेंट लेयर में ह्यू सिचुएशन दिखाई देगी, इसका अलग यूज है, ये ह्यू सिचुएशन यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। बल्कि आपको इमेज में जाना है और यहाँ से एडजस्टमेंट में जाना है, यहाँ वाली ह्यू सिचुएशन आपको लेनी है और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल यू का ये हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम वहां से कर चुके, अब हमें शॉर्टकट से ही चलना है। कंट्रोल यू जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ह्यू सिचुएशन हमारे बात सामने आ गई। और अब इसका क्या करना है, आप अच्छी तरह से देखिए कलर बारीकी से इसको अच्छी तरह से आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और भी आप यदि और कलर देखिए मिलता जुलता और कुछ कलर ले लीजिए, मान लीजिए मैं कोई भी कलर आप ले सकते हैं इस तरह से। देखिए बहुत सारे जो है कलर एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं इसमें इस तरह से। मान लीजिए ये वाला कलर मुझे रखना है और उसके बाद में जो रेड यहाँ से जो है इसका जो कलर का सिस्टम और ज्यादा आप चेंज कर सकते हैं, उस पर ओके कर दीजिए। और देखिए किस तरह से आपके सामने सिलेक्ट होकर आ गया और बहुत ही अच्छा सिलेक्शन आपके सामने लग रहा है और बहुत ही प्यारा सी जो ड्रेस आपके सामने बन चुकी है। इस तरह से आप ड्रेस जो है अच्छी तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपको की का एक ऑप्शन थोड़ा सा रह गया था उसके लिए माफी चाहता हूँ। आपको इमेज में जाना है और इमेज के जाने के बाद में आप जैसे एडजस्टमेंट में जाओगे यहाँ पर ह्यू सिचुएशन के ऊपर वाइब्रेंस मिलेगा, उसको मैं बताना भूल गया था पिछले वीडियो में, इसमें देख लीजिए। एक्चुअली इसका भी सेम यूज होता है लेकिन इसका यूज क्या होता है, थोड़ा सा हार्डनेस डालता है आपकी इमेज
इमेज में। ये देखिए थोड़ा सा जो आपका कलर है उसको डार्क करने का काम करता है, थोड़ा सा कम डार्क, डार्कनेस थोड़ा सा उसका बढ़ाता है, उसमें ज्यादा काम करता है। देखिए ग्रीन कलर इसका थोड़ा सा ज्यादा, इसने बहुत ज्यादा देखिए बढ़ा दिया है, जैसे आप कम करेंगे और छोड़ेंगे तो इस तरह से देखिए कम ज्यादा करने का काम करता है। और आजकल जो आप देखेंगे सूट वगैरह उनमें थोड़ा सा हल्का ग्रीन कलर या फिर जो भी कलर हो थोड़ा सा हल्का डला होता है, क्योंकि नेट का सूट है और नेट पर हमें थोड़ा हल्का कलर ही चाहिए तो ही वो अच्छा लगेगा। इस तरह से की डिजाइन के लिए हम क्या करेंगे इसका यूज करेंगे। तो अभी तो इसको पूरा ओके कर दीजिए। उसके बाद में जो हम नेक्स्ट सीखने वाले थे वो है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये यहाँ पर एक ब्लैंक इमेज ले ली है और यहाँ पर देखिए दो इमेज ली है, स्टूडेंट्स की इमेज है और यहाँ पर एक फ्लावर की इमेज है। तो मैं यहाँ पर पहले से टेक्स्ट लिख कर रखा हूँ। आपको टेक्स्ट के में फॉन्ट ऐसा लेना है जो काफी चौड़ा हो और अच्छे से उसमें टेक्स्ट की चौड़ाई हो, तो आपका जो है अच्छी तरह से जो क्लिपिंग आर्ट्स है वो काम करेगा। अब क्लिपिंग आर्ट्स को काम करना बहुत ही इजी है, आपको मूव टूल सिलेक्ट करना है। मूव टूल सिलेक्ट करते ही आपको क्या करना है, मान लीजिए स्टूडेंट्स की फोटो है, कई सारे कॉलेजेस वगैरह के पोस्टर्स पर आप देखोगे कि आपको टेक्स्ट के अंदर स्टूडेंट्स की पिक्चर्स मिलेगी, वो इसी तरह से डिजाइन किया जाता है। तो देख लीजिए किस तरह से किया जाता है, इसको उठाकर क्या करना है उस पर रख देना है, इस तरह से मूव टूल की सहायता से यहाँ पर लाकर रख देना है। जैसे आप यहाँ पर लाकर रखोगे इमेज काफी एच डी है तो आपको इसकी कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट टूल्स की सहायता से आपको इसको साइज रिसाइज करना होगा बहुत ही बारीकी से। इसको आप सबसे पहले कंट्रोल माइनस से कर दीजिए ताकि आपको जिस चीज की चारों तरफ की जो बाउंड्री है कम ज्यादा रिसाइज रिसाइज करने की वो आपको अच्छे से दिखाई दे जाए और आप अच्छे से कर पाओ, वरना आप इसे किसकाते किसकाते बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मैंने इसको पूरी तरह से ले लिया और अब इसको एंटर कर दीजिए ताकि ये जो है डिसिलेक्ट हो जाए, जो इसके ट्रांसपेरेंट टूल है वो डिसिलेक्ट हो जाए जो साइज रिसाइज करने के लिए हमने लिया था। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस पर जाना है, इस वाली लेयर पर जो आपको लेयर दिखाई दे रही है उस वाली लेयर पर जाना है। एक जो टेक्स्ट वाली लेयर आपको हमेशा नीचे ही रखनी है, यदि नीचे नहीं है ऊपर है या आपने पहले इमेज ले ली उसके ऊपर लिख रहे हो तो क्या करना होगा, आपको ड्रैग करके ले लेना है। इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हो और यहाँ से देखिए इस जो लेयर ऊपर जो पिक्चर है उस पर क्लिक करना है और ऑप्शन का यूज करना है। टेक्स्ट वाली लेयर पर नहीं करना, आपको पिक्चर वाली लेयर पर करना है। और यहाँ पर जैसे आप देखो क्रिएट क्लिपिंग क्लिपिंग मास्क, जैसे आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से देखिए इमेज बनकर आ जाएगी। अब आप इससे भी साइज रिसाइज कर सकते हो, इसमें स्टूडेंट्स की फोटो अच्छी तरह से दे सकते हैं। देखिए मैं आपको देखकर बताता हूँ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप इसमें साइज देखिए सारे स्टूडेंट्स की पिक्चर अच्छी तरह से डाल सकते हैं इस तरह से। और आप इसका बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर भी अच्छे से चेंज कर सकते हैं। हमारा जो बैकग्राउंड है उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड चेंज कलर चेंज करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ से कोई और कलर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर ले लेता हूँ। और ब्लू कलर को लेने के बाद आपको बैकग्राउंड जो वाली जो लेयर है उस पर आना है यहाँ पर, और यहाँ से आपको कलर फिल करने के लिए कुछ नहीं करना, एल्ट बैक स्पेस का यूज करना है। जैसे एल्ट बैक स्पेस का यूज करोगे आपके सामने जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का हो गया। अब देखिए काफी अच्छा इस पर ये लग रहा है। और वापस हम अपनी लेयर वाली पर ही चलते हैं और इसको थोड़ा सा और साइज रिसाइज करके देख लेते हैं, कंट्रोल टी करते हैं और इसको इस तरह से देखिए आप यहाँ से स्टूडेंट्स की पिक्चर्स अच्छी तरह से इसमें डाल सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट एक और करके बता देता हूँ, इसके ऊपर काफी अच्छी लगेगी। मान लीजिए कोई फ्लावर वाली मैं आपको इसके ऊपर करके बता देता हूँ, इसके लिए आप इसे एंटर कर दीजिए, कंट्रोल एल जेड करके फिर से पीछे चले जाइए। इस तरह से देखिए हमारा जो टेक्स्ट था उस पर फिर से आ गया और एक जो मेरे पास अभी अवेलेबल है वो फ्लावर्स की पिक्चर है, हम इसको क्या करेंगे सिंपली उस टेक्स्ट पर ले जाकर डाल देंगे। इस तरह से सिंपली एक टेक्स्ट पर ले जाकर डाल देंगे और इस तरह से पिक्चर आ चुकी है। और कंट्रोल टी करके थोड़ा साइज रिसाइज कर लीजिए ताकि पूरे में अच्छे से आ जाए, बाद में भी आप कर सकते हैं, अभी मैं इसको इतना ही कर देता हूँ। और एंटर कर दीजिए ताकि ये जो है डिसलेक्ट हो जाए। उसके बाद में यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देना है फिर से। और इस तरह से देखिए काफी बेहतर डिजाइनिंग में आ चुका है, कंट्रोल टी करके आप इसे भी साइज रिसाइज अच्छे से अंदर से दे सकते हैं। देखिए जो मैंने टेक्स्ट टूल के टाइम पर मैंने बताया था कि जो मास्क टूल मैंने आपको बताया था, देखिए टेक्स्ट टूल के जो ऑप्शंस में आपको आएगा मास्क टूल वो भी लगभग लगभग सेम था, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप इसमें अच्छी तरह से साइज रिसाइज दे सकते हैं, उसमें अच्छी तरह से आप इमेज की जो पिक्चर्स जो दिखाना चाहते हैं वो सेम एग्जैक्ट पिक्चर आपको उसमें नहीं दिखा सकते। आप इसमें जो चेहरा दिखाना चाहते हैं टेक्स्ट में वो चेहरा आप दिखा सकते हैं, साइज रिसाइज कर सकते हैं और बहुत ही फास्टली वर्क कर सकते हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है। और ये देखिए मैंने हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल के बारे में जब बताया था तब ये बात की थी, ये भी एक मास्क टूल का एक प्रकार है, टाइप है, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे पढ़ोगे तो कि इस पर साफ साफ लिखा हुआ है क्लिपिंग मास्क टूल। तो दोस्तों अभी के लिए थी एक छोटी सी जानकारी, बेसिक सीरीज जो हमारी चल रही है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले समय में कंप्यूटर के सारे कोर्सेज को आप घर बैठे ही कर सके।
तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में एक आएगा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बेल यानी घंटी का आइकन, उसको दबाना ना भूलिए, जिससे क्या होगा दोस्तों आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप इसे घंटी के आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर एक वीडियो कोई भी वीडियो आपकी ना छूटे, सारी वीडियो आप सीरीज बाय सीरीज देखते रहिए और फोटोशॉप की प्रैक्टिस करते जाइए, और ना भूल जाओगे प्रैक्टिस करते जाइए और फोटोशॉप के मास्टर माइंड बन जाइए, क्योंकि बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर आने वाले समय के लिए और अभी के लिए भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बन चुका है फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ, स्पेशली फोटोशॉप तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कोरल ड्रॉ का जो वर्क है वो फोटोशॉप में भी होने लग गया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।